हेलो दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें, आप लोगों का इंतजार खत्म हो गया है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग वेट कर रहे थे ना कि आप लोगों का आखिरकार एग्जाम कब कंडक्ट होगा, क्योंकि बहुत सालों बाद आपके एग्जाम की डेट आई थी, फिर भी पोस्टपोन कर दी गई थी। 1 मार्च से आपके एग्जाम कंडक्ट होने थे। मैंने उनसे कॉल से बात की लेकिन मेरे को कोई रिस्पांस नहीं मिला, कॉल अटेंड ही नहीं करते उन लोग। लेकिन दोस्तों खुशखबरी की बात यह है कि हमने जो आरटीआई लगाया था उसका रिस्पांस आ गया है। चलिए देखते हैं आखिरकार क्या आरटीआई में रिस्पांस आया है, कब होगा आपका एग्जाम। लेकिन डियर फ्रेंड्स, इससे पहले हम आगे बढ़े वीडियो में, यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब प्लीज अवश्य कर लें, और आपको वीडियो आती हुई पसंद तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें, हमने आईटीबीपी ट्रेड्समैन के लिए अपने एक चैनल पर पहले से क्लास प्रोवाइड करा रखी है, जिसमें आप देख सकते हैं जीके पोर्शन पूरा कंप्लीट हो गया है। ई आर एग्जाम जीके 2020 पर जाएंगे, पूरी क्लासेज अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आपको बता दें, क्या हमने आपकी हिंदी की क्लासेज स्टार्ट कर दी हैं, जिसके 3 पार्ट्स ऑलमोस्ट हो गए हैं। डेली नाइट में आती है आपकी क्लास, कब 8:30 पर, तो आना मत भूलिएगा लाइव। ओके चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं हर एक इन्फॉर्मेशन को। लेकिन इसे डियर फ्रेंड्स, इससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दें, जो लोग नोट्स परचेज करना चाहते हैं वो अभी कर लें, क्योंकि ऑलमोस्ट आपके यहाँ पर 500 कैंडिडेट परचेज कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, करीबन 500 बच्चों ने नोट्स प्रोवाइड कर लिए हैं, परचेज कर लिए हैं। यदि आप नहीं कर रहे तो आप इनसे पीछे चल रहे हो, ये विश्वास मान लेना, आप इनसे पीछे चल रहे हो। आपका एग्जाम निकलना बेहद मुश्किल है, क्योंकि आपको पता है आपके एग्जाम के लिए अभी आपको पता चलेगा कि ओनली आपको 16 दिन ही मिल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच में आपको रिवीजन भी करना है और आपके पास कॉन्टैक्ट वो होना चाहिए जिससे कि आपको मैक्सिमम आउटपुट मिले। यदि आप YouTube में भटकोगे तो दोस्तों आपको विश्वास मानिए, आपको बिल्कुल सही डायरेक्शन नहीं मिलने वाला। यहाँ वहाँ भटकने से कोई मतलब नहीं, आपके पास दिन बहुत कम है, टाइम बहुत कम है, आप फोकस होकर एक ही डायरेक्शन में स्टडी करें। आपको नोट्स परचेज कर लेने चाहिए ताकि आपका पेपर निकल सके। आप यदि परचेज कर रहे हैं तो दोस्तों आपको बता दें, यहाँ पर करीबन आपको 1600 के समथिंग यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे, एंड इसके साथ साथ आपको यहाँ पर 299 रुपये पे करना होगा। और दोस्तों आपको बता दें, आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। होता क्या है, मेरे नाम से कोई गलत व्यक्ति आपको कुछ गलत मटेरियल प्रोवाइड कराता है तो इसकी जवाबदारी हम बिल्कुल नहीं लेने वाले, क्योंकि अभी बहुत से कैंडिडेट कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर रहे थे तो मैंने उनके सारे कॉन्टैक्ट नंबर रिमूव कर दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप टेंशन ना लो, आपको यदि नोट चाहिए तो आप डायरेक्टली इस नंबर पे कॉल करेंगे, आपको नंबर शेयर करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है ना। ये नंबर आपको दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करिए, आपको बिल्कुल सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन पूरी दे दी गई है। यदि आप परचेज करें तभी इस पर कॉल करना। ओके डियर फ्रेंड्स, आपको थोड़ी डिटेल्स और दे देते हैं। यदि आप अभी जस्ट पे करते हैं, परचेज करते हैं, तो आपको यहाँ पर 16% 16% का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आपके नोट्स प्रोवाइड होंगे आपको करीबन आपके 250 रुपीज ओनली। जी हाँ दोस्तों, 250 रुपये ओनली पे करना होगा। आप विश्वास मानिए, यदि इनको लगा लेते हैं तो आपका पेपर यहाँ से बाहर नहीं बनने वाला। अब कुछ कैंडिडेट को पेमेंट करने में प्रॉब्लम जाती है, तो दोस्तों आपको बता दें, यहाँ पर आपके पेमेंट मोड 3-3 है। आप फोन पे से पे कर सकते हैं, आप गूगल पे से पे कर सकते हैं, आप पेटीएम से पे कर सकते हैं। आप किसी एक को चलाते हैं डायरेक्टली, आप फोन पे में ट्रांसफर कर सकते हैं मनी। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं आप लोगों का क्या आया है रिस्पॉन्स। तो डियर फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अगली स्लाइड में, जहां पे हम देखने वाले हैं आरटीआई का रिस्पॉन्स क्या आया है। आखिरकार आप लोग समझते होंगे आरटीआई क्या है। दोस्तों आरटीआई एक ऐसा एक्ट है 2005 में आया है। क्या इसमें आप अपनी कोई भी क्वेरी हो, जो भी गवर्नमेंट रिलेटेड हो, अलग अलग डिपार्टमेंट की हो, आप पूछ सकते हैं। मतलब आप कुछ भी क्वेरी रख सकते हैं, इससे संबंधित आपके एग्जाम से संबंधित हर एक चीज का यहाँ पर रिप्लाई मिल जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको बता दें हो आपका यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं क्या रिप्लाई आया है। फ्रेंड्स को बता दें, मैंने आरटीआई लगाया था आपका कब, डेट ऑफ फिलिंग यहाँ पे 18/2/2020 को मैंने आरटीआई लगाया था, नेम था यूआर एग्जाम गोली से। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी और आपका पेमेंट हुआ था क्रेडिट डेबिट कार्ड से, और आपकी SBI रेफरेंस नंबर दे दिया है। इससे आपको इन्फॉर्मेशन से ज्यादा मतलब नहीं, हम देखते हैं क्या रिप्लाई क्या आया है। हाँ तो डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अगली स्लाइड में, जहाँ पे हमको रिप्लाई मिला है आपके क्या आईटीबीपी के द्वारा। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेटस ऑफ आरटीआई रिक्वेस्ट, यहाँ पे रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड और सेकंड भी रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड। तो दोस्तों मैंने सबसे पहले वहाँ पे पूछा था कि आखिरकार आप लोगों के जो फॉर्म है कितने फिलअप हुए थे, एंड इसके साथ साथ कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे आपके। दोस्तों तो आपको यहाँ पर देखिए, आपके 4545 कैंडिडेट का इन्होंने रिप्लाई दिया है कि आप लोगों के जो कैंडिडेट क्वालिफाई हुए टेट टेस्ट में उनकी संख्या कितनी, 4545। अब इसके बाद सेकंड रिप्लाई हमको मिला है रिक्वेस्ट
एक्सेप्टेड। तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं योर पेपर्स ड्यू डेट इज 20 मार्च, मतलब कि दोस्तों आपके पास बेहद कम टाइम है। इनके कहने का मतलब यही है दोस्तों कि आपका जो एग्जाम है वो करीबन करीबन आपके 20 मार्च तक होने की पूरी पूरी संभावना है। यहाँ पे बोला गया है योर पेपर्स ड्यू डेट इज 20 मार्क्स, कहने का मतलब 20 मार्क्स तक आपका पेपर कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो अब आप देखिए आज हो गई आपकी कितनी तारीख, 2 तारीख। दोस्तों यह रिप्लाई मेरे को कल ही मिल गया था, बट किसी रीजन बस मैं आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पाया, लेकिन यह चीज आपको जानना बेहद जरूरी था इसलिए मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड कराया। तो दोस्तों आपके पास ओनली यहाँ पे आज 2 तारीख हो गई है, 16 यदि 20 तक या 20 के बाद आपका एग्जाम होता है तो आपके पास यहाँ पे कुल 15 से 16 दिन है। अब दोस्तों आपको इन दिनों में मटेरियल भी वही चाहिए जो आना चाहिए, एंड इसके साथ साथ आपका उस मटेरियल को रिवीजन करना भी बेहद जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, आपने जो चीज पढ़ ली है यदि आप उसका रिवीजन नहीं कर रहे तो विश्वास मानिए आपका पेपर 101% नहीं निकलने वाला, क्योंकि आप यहाँ पर रट के चले जाएंगे तो इससे कुछ नहीं होने वाला। रट्टू तोता बने से कुछ मतलब नहीं, जो चीज आप पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन अवश्य करें, तभी आपका पेपर निकलेगा। और फ्रेंड्स आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, अभी तक करीबन 500 कैंडिडेट ने आपकी टेस्ट सीरीज परचेज कर ली है, तो ऑलमोस्ट ये उन कैंडिडेट से आगे चल रहे हैं जिन्होंने टेस्ट सीरीज परचेज नहीं की है। अब होगा क्या दोस्तों, होगा ये सारे कैंडिडेट्स आप लोगों से थोड़े आगे चल रहे हैं और कंपटीशन को इंक्रीज कर सकते हैं। कहने का मतलब आप जहां से पढ़ रहे हैं, आपने जिसकी भी टेस्ट सीरीज परचेज की है उसका मल्टीपल रिवीजन कीजिए। जी हाँ दोस्तों, मैं नहीं बोलता कि आप यहीं से लीजिए, आपने जहां से भी ली है आप दूसरी मत लीजिए, लेकिन उसको बार बार रिपीट करिए यदि आपको पेपर निकालना है तो, क्योंकि दोस्तों कॉम्पिटिशन आपका बढ़ चुका है, आपको पता होना चाहिए। करीबन आपके यहाँ से 500 ने लिए तो अदर और कहीं से भी ले लिए होंगे, तो दोस्तों आपका उसमें क्या है वो आपसे आगे चल रहे हैं, आपको अभी से स्टडी करनी है और बार बार उसका रिवीजन करना है। समय का विशेष ध्यान रखें क्योंकि आपके पास समय ओनली 15 डेज है आपका एग्जाम होने में। यदि ऐसा जिन्होंने इन्होंने बोला है कि आपका करीबन 20 मार्च तक हो जाएगा एग्जाम, तो दोस्तों आप विश्वास मानिए आपको अभी से दिन और रात स्टडी करनी होगी, तब जाके आपका पेपर निकलेगा। और दोस्तों आपका यहाँ पर गोल्डन चांस है, आप इसको मत गवाएं, क्योंकि यहाँ पर कैंडिडेट बहुत से पहले से किसी न किसी पोस्ट पर निकल चुके हैं, तो कंपटीशन आपका यहाँ पर अभी और एग्जाम की अपेक्षा यहाँ पे कम है। यदि आपके टेस्ट में 20 या आपके 17+ मार्क्स हैं तो आप बिल्कुल बेझिझक होके आराम से तैयारी करें, आपका पेपर निकल जाएगा, आपका कट ऑफ ज़्यादा हाई नहीं जाने वाला। ई आर का बहुत से बहुत जाएगा तो जाएगा 70 तक, आपके OBC का जाएगा तो जाएगा 65 तक, SC और ST 60 में सेव हो जाएंगे। आप यदि यहाँ पर 40+ मार्क्स लेके आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं है। तो बस डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को यही सब बताना था जो कि मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद है आपको हर एक इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी, नहीं आई तो आपको कॉन्टेक्ट नंबर जो मैंने अवेलेबल कराया है आप उस पर ही कॉल करें। अभी आप सभी से रिक्वेस्ट है, विनती है, आप अपना नंबर शेयर मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट नंबर शेयर कर देते हैं तो कोई अदर पर्सन भी आपको कॉल कर सकता है। जो मैंने नंबर आपको प्रोवाइड कराया है मैं उसी से पेमेंट गेन करूंगा एंड उसी से आपसे बात करूंगा, अदर किसी नंबर से आपसे कॉलिंग नहीं होने वाली, ओके। तो फ्रेंड्स यदि अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप बेझिझक पूछें, मैं उसका रिप्लाई अवश्य देता हूं। और हाँ, जो कैंडिडेट यह पूछते हैं सर पेपर कैसा रहेगा, तो आपको बता दें आपका पेपर ना तो ज्यादा टफ रहने वाला है और ना ही ज्यादा इजी रहने वाला है, आपका पेपर रहेगा मॉडरेट, बीच का। जी हाँ दोस्तों, ना टफ ना इजी, मॉडरेट रहेगा। आपके क्वेश्चंस रहेंगे क्या 50, आपके नंबर रहेंगे आपको बता दिया जाएगा। आपके दोस्तों यहाँ पर 4 सेक्शन से आपका मैथ्स रहेगा, रीजनिंग रहेगा, जीक रहेगा एंड हिंदी रहेगा, इन 4 सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चंस बनने वाले हैं 50। आपको यहाँ पर मैंने क्लासेस वगैरह कवर करा दी है, यदि आपने नहीं देखी तो आप जाइए योर एग्जाम GK प्लेलिस्ट में इसी चैनल पे, तो आपको वहां पर GK मैंने ऑलमोस्ट 25 पार्ट्स आपके कंप्लीट करा दिए हैं, तो आप उसको देख डालें, उससे बाहर GK आपका बनने वाला नहीं, ये तो गारंटी है। एंड इसके साथ साथ आपकी हिंदी की क्लास ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गई है, 3 क्लासेस हो गई हैं, आप कंटिन्यू आइए डेली 8:30 बजे रात में, आपको आज 4थी क्लास मिल जाएगी। मैं उन कैंडिडेट के लिए बोल रहा हूँ जो परचेज करने में असमर्थ है ना, और जिन लोगों ने परचेज कर लिया आप बार बार उसका रिविजन कीजिए, एंड इसके साथ साथ यदि टाइम मिल रहा है तो आप जी क्लास भी अटेंड कीजिए, फिर तो आपका पेपर कोई नहीं रोकने वाला। जी हाँ दोस्तों, आपका 101% पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, बट जो भी कीजिए अभी से कीजिए, स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है 15 दिन कुछ बड़ी बात नहीं दोस्तों, आपके यूं ही निकल जाएंगे बातों बातों में, आप यहाँ वहाँ बिल्कुल ना भटके,
मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपने जहाँ से जो भी मटेरियल लिया है आप उसी का बार बार रिविजन कीजिए यदि आपको पेपर निकालना है तो। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। ओके, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।